नाम प्रणाम, बताइए क्या क्या नाम है? दीदी हम ये कह रहे थे दीदी, पूरे जिले में सब नगरों का नाम दिया गया है, केवल कांडला का नाम सीएमओ साहब ने काट के दिसाला लगा दिया है। हाँ, जिससे दीदी पूरे सबको परेशानी हो जाएगी, दिसाला कैसे इतने लोग जाएंगे दीदी? तो क्या रजिस्ट्रेशन करा लिया इतने लोगों ने? दीदी सबने ऑनलाइन करा रखा है, कम से कम यहाँ कांडला के आप चेक कर सकते हैं, कम से कम 500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है दीदी। 500 लोगों का तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं खुला है ऑनलाइन। एक दिन में 50 लोगों को वैक्सीन लगनी है केवल एक जगह पे? नहीं दीदी, पहले से लिया हुआ ना, एक महीने पहले रजिस्ट्रेशन हो गया था ऑनलाइन। एक महीने पहले वाला रजिस्ट्रेशन वैध नहीं है। अच्छा जी, मैं अभी चेक करवाती हूँ जरा। अभी तो कल खुला था, केवल उतना ही होना है। कांडला में करा देंगे, बात समझ में आती है। धरना वरना क्या लिखा है आपने दीदी? यह तो आप मांग की है दीदी हमने आपसे। दीदी ये मांग क्या करिए, धरना क्या धरना करोगे? बाकी मुकदमे जो आपने भूल गए सब कहानी जी दीदी, जो मुकदमे तुम पे भूल गए सब कहानी दीदी, सब राजनीति मुकदमे। और काम जो है तुम्हारे, सब इतने सारी चीजें पेंडिंग है, धरने भरने के दोगे तुम? कोरोना चल रहा है, कर्फ्यू चल रहा है, धरने की बात कर रहे हो? नहीं दीदी, हम तो मांग कर रहे हैं। रिक्वेस्ट करना अलग, मांग नहीं होती है। आप दीदी करना, रिक्वेस्ट करना अलग चीज होती है। दीदी क्या सुनकर मुझे जिलाधिकारी बोलो। ठीक है जिलाधिकारी महोदय। हाँ समझे, जितनी वैक्सीन हो अपने सेंटर बनेंगे। अगर आपका छूट गया आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं प्रयास कर सकती हूँ। अब नहीं होगा तो अगले हफ्ते हो जाएगा, क्योंकि अभी तो बहुत लंबा वैक्सीनेशन चलना है। ये कोई तरीका नहीं है, ठीक है, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं। दीदी हम तो जिलाधिकारी महोदय, हम तो आपसे निवेदन ही कर रहे हैं, हम तो हमने मांगी तो की है ना कि दो दिन में आप करा ये किया हमने तो। दो दिन में करने वाले क्या बात हुई भाई, दो दिन में करा देंगे, कौन सी बात हुई? अब मान्य ये बताइए, आप पूरे जिले में नगर का नाम कर गया है, आप मुझे अल्टीमेटम दोगे कि दो दिन? नहीं नहीं, आप अल्टीमेटम कैसे दे सकते हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं जिले में, हम तो आपकी तारीफ करते हैं। अच्छे काम के हिसाब से आपने भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। नहीं आपके लिए नहीं किया, आपका कस्बा छूट गया, बात सुनो जी। अगर आपका कस्बा छूट गया है ठीक है, उसको देख लेते हैं, और ये स्लॉट पहले से बन जाते हैं, ऊपर से तय हो जाते हैं। अच्छा, अगर अभी नहीं हो पा रहा तो कल 1 तारीख की जगह 8 तारीख से हो जाएगा, इसमें भी परेशानी वाली बात क्या है? दो दिन का समय देते हैं, दो दिन का समय देते क्या होता है? नहीं आपके लिए नहीं लिखा है माननीय, हमने जिला सीएमओ महोदय ने किया ना जी, तो हम लोग आपसे मांग किया कि उन्होंने ऐसा किया है कि सीएमओ महोदय ने पत्र जारी कर दिया, कांडला का नाम काट दिया, खाली कांडला का नाम कटा है जी। देखो फिर वही बात कर रहे हो, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, हम आपसे मांग करते हैं, आप हमें आश्वासन दे दीजिए, हम उसको जारी कर देंगे जी। कौन सा आश्वासन दे दूं मैं आपको, क्यों दे दूं मैं आपको आश्वासन? ठीक है जी, कोई बात नहीं, मैंने आपको ओरली बता दिया कि मैं भी कोशिश कर लेती हूँ, बन जाएगा ठीक है, नहीं तो 8 तारीख में हो जाएगा। इस तरह की लेटर दोबारा मत लिखिएगा मुझे, समझ में आया? ठीक है जी, धन्यवाद। ब्राह्मण समाज के साथ साथ मैं अपने एक नगर कांडला, मेरा नगर है जनपद शामली में, मैंने यहाँ की मांग उठाई। 18 वर्ष से ऊपर कोविड का जो टीकाकरण होना था कांडला में, 1 महीने से मैं मांग करता आ रहा था। माननीय जिलाधिकारी महोदय ने मुझे आश्वासन देते आई 8 दिन, कभी 10 दिन। हम लोगों ने मांग पत्र के द्वारा एक मांग रखा कि कांडला में टीकाकरण हो। अभी कल एक सीएमओ साहब के द्वारा, शामली सीएमओ के द्वारा एक पत्र जारी हुआ, एक आदेश जारी हुआ, उसमें कहा गया कि कांडला, केवल कांडला को ही काटा गया, पूरे जिले में जितने नगर हैं, शामली, थाने भवन, अन्य जो भी नगर हैं, केवल कांडला काट के गांव दिसाला में लगा दिया गया। यहाँ 60,000 लोगों की आबादी का नगर है और आसपास के गांव भी हैं, इन लोगों को क्यों इनके साथ सुथरा व्यवहार किया गया? मैंने एक मांग रखा कि ऐसा किया जाए, परंतु जिलाधिकारी महोदय ने मुझे फ़ोन करके कहा, जब मैंने कहा क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, हम संस्कृति का सम्मान करते हैं, दीदी मैंने कह के उनको बोला कि दीदी मैंने एक मांग किया है कि उन्होंने कहा कि धरने देने की बात आप कर रहे हो, हमने कहा दीदी हमने धरने देने की बात की नहीं, हमने कहा कि यदि मांग नहीं पूरी होती तो हम धरना भी देंगे और COVID-19 का पालन करके धरना देंगे। उन्होंने कहा दीदी मत बोलिए, जिलाधिकारी बोलिए, और यदि ये समाज की मांग उठाना गलत है और मुझे इस तरह का डराने की कोशिश की गई, मुझे अपने मुकदमे, जो मेरे मुकदमे चल रहे हैं, जो सामाजिक मुकदमे चल रहे हैं, उनकी धमकी दी गई कि यदि तुमने धरना किया तो आपको फर्जी मुकदमे अपने याद रख लेना। अब बताइए, जो मेरे मुकदमे हैं वो दोनों तरफ से हैं, नवनीत राणा SP जो सस्पेंड हुए थे, यदि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ तो वो सस्पेंड क्यों किए गए थे? मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन है, अजय पांडे के द्वारा मेरे प्रताड़ित किया गया, वो भी मुकदमे विचार, उनके भी ऊपर भी मुकदमे हैं, माननीय न्यायालय तय करेगी जो भी मुकदमों की बात होगी, पर मैं समाज की लड़ाई के लिए किसी भी तरह से पीछे नहीं हटूंगा, ना डरूंगा, जेल भी जा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, पर समाज की मांग उठाता रहूंगा। यह मेरी मांग है कि माननीय जिलाधिकारी महोदय, मैं तो दीदी इसलिए कहा था कि हमारे माननीय मोदी जी भी दीदी बोलते हैं, सभी दीदी बोलते हैं, तो मैंने भी बोल दिया तो गलत नहीं किया, पर इतना ही मैं कहूँगा।